मीटिंग साढ़े करनाल जिले की रखी गई सी। उस मीटिंग दे विच भाई अमृतपाल सिंह और उन्होंने साथियों जिहड़ा सरकार वालों प्रशासन वालों गिरफ्तार किया गया है उस दे छुड़वाउण वास्ते सरकार ते जिहड़ा ये दबाव बनाया जा रहा कि सरकार नूं चेतावनी दी जा रही है कि जे साढ़े अमृतपाल सिंह जां उहदे साथियों नूं ना छड्या गया तो असी बहुत वड्डा जिहड़ा स्टैंड लवांगे। और दूजी मीटिंग साडी इत्थे सीगी साडा जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चे ते चंडीगढ़ मोहाली लगा हुआ कौमी इंसाफ मोर्चा सिंह छुड़ाउण वास्ते बंदी सिंह छुड़ाउण वास्ते उहदे वास्ते बहुत वड्डी मीटिंग की गई इत्थे कि उस दे विच उस दी जिहड़ी तादाद वो वधाउण वास्ते उस नूं एक पक्का वड्डा मोर्चा बनाउण वास्ते अज दी जिहड़ी मीटिंग की गई आ। सरकार की तरफ से काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आईएसआई से जुड़े हुए थे अमृतपाल, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए जी, सरकार हमेशा ही दबाना चाहती है जो भी इंसान अच्छा काम करता है। अब भाई अमृतपाल सिंह नौजवानों को नशे छुड़ाने के लिए मुक्त करा रहा था और अमृत जो सिक्खी का प्रचार कर रहा था, ये चीजें जो सरकार को नहीं पच रही। लेकिन सर अजनाला की घटना से काफी लोग गुस्से में थे कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अजनाले में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका ये बड़ा इशू बना लिया। ये कौन सी बड़ी बात हुई कि जे इनजायज पर्चा किया था सरकार ने, प्रशासन ने, कि उनको छुड़वाने के लिए अमृतपाल ने कम से कम 4 दिन पहले बोल दिया था कि जा दो उनको छोड़ दो, नहीं तो ये बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। वो तो सरकार की गलत नीति हुई या प्रशासन की गलत नीति से वो काम हुआ। बाबा जी एक हथियार मिले उसके साथ अगर बात की तो कोर्ट में कहा है जो वकील है पंजाब का भी अमृतपाल पे भी एनएसए लगा दिया है, एनएसए लात होते नहीं है, अजय कोई इतना दी गल नहीं हुई। हुने हुने थोड़ी देर पहले कोर्ट च पेश हो पर मैनू उहदा अजे कोई जानकारी नहीं मिली। और मैं कहना कि जिहड़ी एनएसए जिहड़ी लाई है सरकार वल्लों लाई जा रही है, देखो एडे एडे गैंगस्टर जिन्हां ने एडे एडे हथियार जिवें सिद्धू मूसेवाल नूं मार दिता, एडे वड्डे हथियार जिहड़े लै के तुरे फिरदे रहे आ, जां साडे देश दे विच जिन्ने गैंगस्टर आ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਆ 12 ਬੋਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਕਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੋ ਜੈਸੇ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੇਂ ਉਸ ਪੇ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ? ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹਥਿਆਰਾਂ जी, जो कोई काम अच्छा आदमी कर रहा, हमारे अभी सिंह साहब है उनके साथ बॉडीगार्ड है, जो गुरुद्वारा के बॉडी सिंह साहब है जदे जा रहे हैं उनके पास बॉडीगार्ड है, जो पब्लिक में जाता आदमी घूमता है प्रचार करता है जरूरी है उसके पास साधन होना चाहिए, क्यों आजकल आप समा देख रहे हैं कैसा समा बन चुका है। क्या मीटिंग में कुछ फायदे ठोस नतीजा क्या लेगा, क्या फैसला लिया गया, ठोस फैसला क्या लिया गया, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? ठोस फैसला तो यही है कि जितने देर साढ़े भाई अमृत सिंह पाल सिंह का सानू कोई पता नहीं दसते, जां सानू उन्हें दसते नहीं भी वह कित्थे लग गए, उन्हां चिकर ये जिहड़े आ मोर्चे ये धरने इदां ही जारी रहणगे और पक्के तौर पर जे सानू मोर्चा लाउणा पिया तो अहीं जरूर लाउणा। बाबा जी लगता नहीं कि पुलिस को देखकर बताया जा रहा कि भाग गए थे, अगर गिरफ्तारी देते तो ज़्यादा ठीक रहता? पहले तो मैं आपको बताऊँ कि 7 डिस्ट्रिक्ट की जो फोर्स थी और नाल साड़ी सेंटर सरकार की फोर्स है, क्या आप भी जानते हो कि इतनी फोर्स के बीच में भाई अमृतपाल सिंह कैसे भाग सकता, और वो भागने वाला आदमी नहीं था आपको भी पता है। तो ये सरकार की एक राजनीतिक है, राजनीति पॉइंट बना रही है कि पब्लिक को शांत बैठे रहे, गुमराह कर रहे पब्लिक को, ये कहीं इनकी शांति भंग ना हो जाए, ये सरकार ये कर। आखिरी में सर सभी भाइयों से कुछ शांति बनाए रखने की उसकी अपील करेंगे? भाईचारा बना रहे। मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, मेरे हिंदू मुसलमान भाईचारा, मैं सबको बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दें और भाईचारा बना के, और मैं अपने भी जुड़े भाईचारा उनको भी बोलूँगा अनुशासन में रह के कोई भी काम है अनुशासन में रह के। आपका शुभ नाम सर? बाबा गुरमीत सिंह, गुरुद्वारा राज करेगा खालसा डाचर। शुक्रिया सर। उसके क्यों नहीं हम बातें करते, मीडिया के वो जहां थाने से छुड़ा के और दो जो है किसी भाईचारे द्वारा एक दो मुसलमान जवानों को वहां जिंदा जला दिया, वो बातें हम क्यों नहीं देखते? वो भी तो थाने से छुड़ा के भीड़ ने जला दिया, जिंदा जला दिया, ठीक है। राम रहीम को कैसे मतलब वहां वो प्रचार कर रहे हैं, एक गैंगस्टर को बिश्नोई को कैसे मतलब जेल से देशभक्त दिखाया जा रहा है, तो हमें ये बातें आहत करती हैं।
सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की कैसे वो बातें कर रहा है, ये बातें जो है ना एक समुची कौम को जलील करने वाली है। और अमृतपाल सिंह कौम दी हक दी गल कर रहा सी, किसी प्रकार दी कोई विरोध दी गल नहीं सी कर रहा। असले दी हरपाल सिंह जलवाणा असले दी जिहड़ी है, 12 बोर दीआं 2-3 बंदूकां मिल गईआं ने, की है कुछ भी नहीं। हम विरोधी नहीं है देश के, हम भारत के वासी हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए हमने 121 में से 93 फांसियां दी हैं, 2647 में से 2160 बंदे हम काले पानी गए हैं। हम कहीं भी देश के साथ फर्क नहीं रख रही, पर हमारे साथ द्वैध किया जाता है, हमें तकलीफ है। उस बारे को उग्रवादी खाड़कू खालिस्तान दिखाया जा रहा है। हम वफादार हैं देश की, हमारे बुजुर्गों में कभी भी फर्क नहीं है देश से। हमारी ये फौजों ने छाती पे बम बांध बांध के इस देश को आजाद कराया। अमरीका के टैंक हमने तोड़े हैं, अमरीका पाकिस्तान में खाना दिल्ली खाएंगे, हमने वो खाना दिल्ली नहीं खा लिया, रास्ते में तोड़े टैंक। हमको तकलीफ है, हमारे साथ उग्रवादी जैसे सलूक किया जाता है। हमारी देश के लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के, हम तुम्हारे भाई हैं, सच्चाई के साथ हमारे खड़े हो। ए राम रहीम यार, गल अज तक नहीं आई सामने। और बंदी सिंह जेडे साडे ने भाई जगतार सिंह हवारा, उन्हां नूं जबरदस्ती एक किस्म दा जेड़ा है वो कैद की इस ढंग नाल कीता है कि पेशी ते नहीं लिया जाता। और यह साढ़े लिए बहुत वड्डी इस देश के विच बेइंसाफी है। सानू एजिटेशन रोस मुजारे या जो भी सानू यह कहना पैंदा है कि सानू इत्थे साडे हक नहीं सुरक्षित, साडी आजादी नहीं सुरक्षित, साडे जिहड़ा जीवन नहीं सुरक्षित, इस करके जिहड़ा है साडे ते वक्फवादी वाला टैग लगता है। आप क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं आप आजादी नहीं मिली, गुलाम है, तो आप चाहते जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब एक तरफ तो एक गैंगस्टर को, एक बिश्नोई जैसे क्रिमिनल को वहां जेल से उसकी वीडियोग्राफी करके आम पब्लिक में वो देशभक्त दिखाया जा रहा है, और हमारे जगतार सिंह हवारा को पेशी पे नहीं लाया जाता, उसके लिए हम रोस मुजारे कर रहे हैं और वहां सड़कों पर बैठे हैं, तो हम गुलाम है और क्या। एनएसए लगा दिया गया है। एनएसए तो देखो जी, सरकारां जिहड़ियां ने ना, जदों एक बिल्कुल इन्हां ने जो कुछ भी किया है, मैं पहले कह चुका वा कि जे उहनूं देश दा नागरिक गिणदे उहदे नाल उसे तरीके का ट्रीट किया जाता, उहदा घर है, परिवार है, उहनूं उत्थे जाके पुछया जा सकता सी, उहदा असला चैक किया जा सकता सी। कोई टाइम पहला हरियाणे च भी उह आया है जगह जगह ते, लेकिन यह थोड़ी जी गल कि आपां उहनूं जांदे नूं यह सिर्फ ते सिर्फ एक कौम नूं जलालत वाला जो है गुलामी वाला एहसास कराया जा रहा है। सारा अजनाला केस के बाद हो रहा है ऐसा है जी, अजनाला वाला जो आपके यहाँ हरियाणा में जो भिवानी कांड